बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि इससे फकत मेरा दिल जलता है। मुझे हमोशी से मेरी ला इल्मी में इनके शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह पाक, मुझे ऐसे लोगों की सबकत अता फरमा जो तेरे पसंदीदा हों, और मुझे तुझसे करीब कर दें जो मुझे तेरी याद दिलाते रहें और मेरे ईमान में इजाफे का सबब बने। आमीन या रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह पाक, जो सर तेरे सामने झुकता है इसे दुनिया के सामने झुकने से बचा। ऐ अल्लाह पाक, जो हाथ तेरे आगे झुकते हैं इन्हें अपने बंदों के आगे झुकने से बचा। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे अल्लाह, मुझे कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों में, परेशानियों में, खुशियों में और राहतों में कभी भी तनहा मत छोड़ना। हमेशा अपनी रहमत के साए में रखना। मेरे गुनाहों को माफ फरमाना। आमीन या रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, अपने करम से मुझे माफ कर दे और जन्नत के आठों दरवाजे मेरे लिए खोल दे। ऐ अल्लाह, मुझ पर बस इतना करम रखना कि मैं कभी बेबसी की इंतहा पे ना पहुंचूं। या अल्लाह, रहम करना। ऐ अल्लाह पाक, मेरे वालदैन को और मुझे इन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरति हसनतं कना अज़ाबन नार। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतं व फिल आखिरति हसनतं कना अज़ाबन नार। रब्बी जअलनी मुकीमस सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फिरली वले वालिदैया वनी मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। आमीन या रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह पाक, हम आपकी पनाह चाहते हैं हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों, बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों और गमों से, और हर किस्म की बीमारियों से। ऐ अल्लाह पाक, हमें अपने फजल में शामिल कर ले। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ, मुझे अपने फजल में शामिल कर ले। ऐ अल्लाह, मेरे घर वालों को अपने फजल में शामिल कर ले। ऐ अल्लाह, मेरे वालदैन को अपने फजल में शामिल कर ले। ऐ अल्लाह, तू बड़े फजल वाला है, अपने फजल करम पे हम पे रहम कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। न कलमा याद आता है, न दिल लगता है नमाजों में इकबाल। काफर बना दिया है लोगों को दो दिन की मोहब्बत ने। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। मत कर खाक के पुतले पे गुरूरे बेनियाजी। मत कर खाक के पुतले पे गुरूरे बेनियाजी। खुद को खुद ही में झांक कर देख तुझ में रखा क्या है। खुद को खुद ही में झांक कर देख तुझ में रखा क्या है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ये चैनल आपके जिंदगी के हर पहलू में आपकी रहनुमाई करेगा।